जी आइए जी। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, जो भी टाइम पर आप ये वीडियो देख रहे हैं। ये 7 लेक्चर्स हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर जो था हमारे केमिस्ट्री का एंड हुआ था न्यूमेरिकल्स पे, नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर, मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर जो भी न्यूमेरिकल्स थे हमारे, तो वो इजिली हमने सफ़र कर लिए थे, ठीक है, सॉल्व कर लिए थे, हमारा सॉल्यूशन आ चुका था। लेकिन जो अब जो है शुरू होने जा रहा है वो ये है कि अब है लेक्चर एट में क्या बात है कि अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं ये बहुत खास होने वाला है। ये पेपर में 3 नंबर का इसका सवाल आता है और आता ही है, इसके अलावा और कोई टॉपिक बाहर से निकल के नहीं आता जहाँ से सवाल आ सके पहले चैप्टर में, ठीक है। तो ये जो है, जो हम पहले तो पढ़ेंगे परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है। परसेंटेज कंपोजिशन पढ़ने के बाद जो हम पढ़ेंगे वो है ऐसे हमारे एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो हमारा रह गया है काफ़ी, है ना, तो वो हम काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। कोई डाउट वगैरह उसमें रहेंगे नहीं पढ़ने के बाद, काफ़ी आसान है, ठीक। तो जो हमने लास्ट, अगर आप नए हैं, आपने लेक्चर पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं, तो प्लीज़ 7 लेक्चर्स जो हमने रिकॉर्ड कर चुके हैं उसमें से आप उसको व्यू कीजिए और अपनी जजमेंट है जो आपकी, अगर आप करते हैं तो कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिए हमारे साथ, ठीक है। तो परसेंटेज कंपोजिशन की बात करते हैं। परसेंटेज कंपोजिशन, अब थोड़ा स्टडी टाइम आ गया ना हमारा, बिल्कुल, तो यहाँ से शुरू करते हैं। तो यही है कि परसेंटेज कंपोजिशन, द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एनी एलिमेंट और कंस्टिट्यूएंट इन अ कंपाउंड इज इट्स पार्ट बाय मास टू दैट 100 पार्ट ऑफ दैट कंपाउंड। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर 1000 पार्ट का एक कंपाउंड है, अगर मान लो किसी एक एलिमेंट का पार्ट 50 पार्ट है, मतलब है ना, तो 50% होगा उसमें कंपाउंड में प्रेजेंट, ठीक है। या अगर मैं दूसरा उदाहरण दूँ तो ये कहूँगा, अगर 100 ग्राम CO2 है हमारे पास, अगर कार्बन है उसमें 50 ग्राम, ठीक है, 100 ग्राम में से 50 ग्राम कार्बन है, तो कार्बन की परसेंटेज 50 ग्राम हो जाएगी। फिर भी एक फॉर्मूला है जो है हमारा ना, ये तो थोड़ा लॉजिकल वे है ना, बहुत ही आसान तरीका है समझने का। अब जो तरीका ये है फॉर्मूला वाला, हमेशा फॉर्मूला ही काम आते हैं ना, और फॉर्मूला ही लिखे जाते हैं कॉपी किताब में। तो फॉर्मूला इसका यही है, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एनी एलिमेंट और कंस्टिट्यूएंट कैसे निकाले, तो वो ऐसे निकालते हैं, मास ऑफ एनी एलिमेंट और कंस्टिट्यूएंट अपॉन में मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, ओवरऑल को 100 से इंटू कर देंगे, तो हमारा परसेंटेज कंपोजिशन होगा वो हमारा आ जाएगा। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो अब तक हमने काफ़ी कवर कर लिया, जो आपने नोट डाउन कर लिया होगा पिछला, जो परसेंटेज कंपोजिशन का था वो नोट डाउन पहले कर लिया होगा। तो ये एम्पेरिकल फार्मूला की जो मैं बात कर रहा था लेक्चर के स्टार्ट में ही, बिगिनिंग में ही, तो ये एम्पेरिकल फार्मूला, इसके बाद मॉलिक्यूलर फार्मूला, दोनों के बीच में रिलेशन है, इसकी बात भी डिस्कस करेंगे। पहले एम्पेरिकल फार्मूला पढ़ते हैं। एम्पेरिकल फार्मूला में क्या है कि इट इज़ द फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला इज द फार्मूला विच रिप्रेजेंट्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द एटम ऑफ द एलिमेंट इन अ कंपाउंड। मतलब कोई कंपाउंड है, उसमें एटम का क्या रेशियो है, CO2 का कंपाउंड है, उसमें कार्बन और ऑक्सीजन का क्या रेशियो है, 1:2, तो यहाँ तो ये एक्चुअल रेशियो, लेकिन ये एम्पेरिकल फार्मूला जो होता है वो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो देता है, एक्चुअल रेशियो हमें ये नहीं देता, ठीक है। सिंपल मतलब एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स नहीं देता, पर सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो हमें देता है, ठीक है। तो ये ऐसा फार्मूला है, ठीक है, अ फॉर्मूला विच गिव्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द एटम ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। अब दूसरा है कि लिमिटेशन क्या थी इसमें। लिमिटेशन वही थी जो मैं बोल चुका अभी, ठीक है, मैं बोल चुका हूँ, लिमिटेशन यही थी कि ये तो सिंपलेस्ट फार्मूला देता है हमें, पर इट डजेंट प्रोवाइड द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड। जो कंपाउंड है उसमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स हमें देता नहीं है ये, ठीक है, वो मिसिंग होता है कहीं, ठीक है, हमें ढूंढना होता है कि एक्चुअल नंबर ऑफ एटम कैसे है, कैसे ढूंढना होता है वो मैं बताऊँगा, काफ़ी अच्छा लगेगा जान के, ठीक है। लिमिट, अब कहते हैं ना कैलकुलेशन ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला, कैसे निकालें एम्पेरिकल फार्मूला ताकि हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला पता चले, ठीक है। तो ये इसके तरीके हैं, कुछ स्टेप्स हैं इसके, ठीक है। फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ दी एम्पेरिकल फार्मूला वी नीड टू फॉलो दी फॉलोइंग स्टेप्स। तो पहला स्टेप यही है कि हमें जब भी कोई सवाल दिया जाएगा तो उसमें हमें परसेंटेज कंपोजिशन दिया हुआ कि अगर कोई कंपाउंड है हमारे पास तो ये एटम्स की ये परसेंटेज है जो हमारे पास है, ठीक है, वो परसेंटेज हमें दी होगी, तो उस परसेंटेज को हमें ना ग्राम में कन्वर्ट कर लेना है। जैसे मैं कह दूंगा, मैंने बताया लेक्चर के बिगनिंग में ना कि जैसे 100 ग्राम CO2 है उसमें मैं कह दूंगा कार्बन जो है हमारा 50 ग्राम है, तो बस ऐसा ही, ठीक है। लेकिन जो सवाल में जो दिया जाएगा यही दिया जाएगा कि कार्बन 50% है, ये नहीं दिया जाएगा कि 50 ग्राम है, तो उसी 50 ग्राम को वो 50% को 50 ग्राम में बदल लेंगे, 33% होगा 33 ग्राम में बदलेंगे, जितने भी परसेंट होगा उसके उतने ग्राम में बदल लेंगे, और कंपाउंड का जो ओवरऑल
जो मास होगा मोलर मास उसे 100 ग्राम मानेंगे जो हमारे पास होगा, ठीक है, ये हम मानेंगे। ठीक, अब हमने ग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लिया है, परसेंटेज को कन्वर्ट द मास परसेंट टू ग्राम्स, ठीक है। उसके बाद क्या है कि उसको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करेंगे, जो मास परसेंट जो ग्राम से उसको मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो हमें नंबर ऑफ मोल्स हमें मिल जाएंगे, ठीक है। अब नंबर मोल, अब मोल्स मिल गए, अब हम क्या करेंगे उसमें, हम ये करेंगे कि जो मोल्स हमें मिल गए उसको जो तीनों के मोल्स को कंपेयर करेंगे, जिसका सबसे जिसके मोल्स सबसे कम होंगे उससे डिवाइड कर देंगे तीनों को, ठीक है। उसको तीनों को डिवाइड कर देंगे, फिर एक नंबर आएगा, ठीक है, फिर एक नंबर आएगा, वो नंबर हमारे लिए वही सिंपलेस्ट मोल नंबर रेशियो होगा और वो काफ़ी ज़रूरी होगा, ठीक है वो, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए, आगे का आगे की स्टडी हम चालू रखते हैं। जैसे ही हमारे पास क्या कहते हैं कि एक बार वो जो मैंने कहा था कि जिस जो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे उन मोल्स को सबसे छोटे मोल से डिवाइड करना है तीनों को, जो सबसे ठीक है जो रेशियो आएगा वो सिंपलेस्ट मोल नंबर रेशियो ही होगा। उसमें उसके बाद हमें एक फॉर्मूला बनाना है, जो जो एटम्स हमारे पास थे जिस और जिसका जो रेशियो आया है वो एक फॉर्मूला बना के उस एटम्स के सिंबल के नीचे वो सिंपलेस्ट मोल नंबर रेशियो लिख देना है जैसे, ठीक है। तो लिख देंगे तो पूरा हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा, जिसे हम एम्पेरिकल फार्मूला के नाम से जानते हैं। उसके बाद कैलकुलेटिंग मोलिकुलर फार्मूला, राइटिंग मोलिकुलर फार्मूला, तो मोलिकुलर फार्मूला हमें उसके बाद गेन कर लेना है उससे। अब कैसे गेन करना है वो अभी हम सीखते हैं, ठीक है। अब पहले देखते हैं मोलिकुलर फार्मूला, हाँ वही कैसे गेन करें, वही बात है, पूरी प्रोसेस वही है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि पहला तो ये है कि उसमें सबसे पहले तो हो जो एम्पेरिकल फार्मूला गेन करेंगे, सीधा सीधा हम जानते हैं कि द मोलिकुलर फार्मूला कैन बी डिड्यूस फ्रॉम इट्स एम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है, बाय फॉलोइंग दी फॉलोइंग स्टेप्स। तो पहला स्टेप उसका यही कहता है कि जो पहला स्टेप वही कहता है कि जो एम्पेरिकल फार्मूला से हमें ना हमें एम्पेरिकल फार्मूला निकालना पड़ेगा परसेंटेज कंपोजिशन से, वी हैव टू डिड्यूस एम्पेरिकल फार्मूला फ्रॉम इट्स परसेंटेज कंपोजिशन। जब परसेंटेज कंपोजिशन से हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला आ जाएगा, उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें निकालना है एम्पेरिकल फार्मूला मास, ठीक है, एम्पेरिकल फार्मूला मास निकालना है। एम्पेरिकल फार्मूला मास निकालने के लिए जितने भी एटम्स होंगे उस कंपाउंड में उसके एटॉमिक मास को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, जो हमारा एम्पेरिकल फार्मूला मास गेन करवा देगा, ठीक है। अब इसे नोट डाउन कर लीजिए, आगे हम आगे बढ़ते हैं बस कुछ सेकंडों में। अब आते हैं, देख रहे हैं आप जो है, मतलब मैंने कहा था डिटरमिनेशन ऑफ द मोलिकुलर फार्मूला जो चौथा स्टेप है उसका, तीसरा स्टेप, ठीक है, मोलिकुलर फार्मूला पता लगाए कहाँ से देख के, उसमें एनालिसिस में दे रखा होता है, उसमें क्या कहते हैं क्वेश्चन में दे रखा है, जहाँ पे हमें मोलिकुलर फार्मूला की डिमांड की जाएगी वहीं पे हमें मोलिकुलर मास दे रखा होगा, ठीक है। मोलिकुलर मास वहाँ से निकाले, उसके बाद हम जानते हैं कैलकुलेशन ऑफ फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द मोलिकुलर फार्मूला वी हैव द वन रिलेशन। पहले हमें एन के वैल्यू निकालनी है जो होती है मोलिकुलर मास अपॉन में एम्पेरिकल फार्मूला मास, ठीक है। तो एन की वैल्यू आएगी, अब जो मोलिकुलर फार्मूला होगा वो होगा एन इन टू में एम्पेरिकल फार्मूला, तो मोलिकुलर फार्मूला हमें ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है एक उदाहरण है, छोटा सा एक प्रॉब्लम है, मतलब तो उस प्रॉब्लम में ऐसा क्या है कि हमें परसेंटेज कंपोजिशन का एनालिसिस दे रखा है, जिसमें सोडियम हमारा 43.4% है, कार्बन हमारा 11.3% है और ऑक्सीजन हमारा 45.3% है। तो इसके परसेंटेज से हमें एक एम्पेरिकल फार्मूला डिराइव करना है, ठीक है, और हाँ इस क्वेश्चन में बस हमें एम्पेरिकल फार्मूला तक ही एम्पेरिकल फार्मूला ही गेन करना है। तो सबसे पहले तो एक टेबल बनाएंगे, एलिमेंट का नाम, परसेंटेज, एटॉमिक मास, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, उसके बाद सिंपलेस्ट मोल नंबर रेशियो, उसके बाद जो हमारा कंपाउंड होगा उसका एक एम्पेरिकल फार्मूला हमारे सामने आ जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा परसेंटेज दे रखा है उसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, 43.4, 11.3, 45.3, उसको उसके गिवन एटॉमिक मास से डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, फिर रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स में क्या करेंगे, मैंने कहा था सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करते हैं, सबसे छोटी संख्या से डिवाइड कर देंगे ताकि हमें मिल जाएगा एक सिंपलेस्ट मोल नंबर का रेशियो मिल जाएगा, कुछ नंबर 213 है इसमें, कुछ वैसे ही आपको एक नंबर मिलेगा, ठीक है, वो नंबर हमें मिल जाएगा। सिंबल्स के बाद लिख देंगे हम, जो सिंबल है हमारा कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन सोडियम कार्बन ऑक्सीजन, तो उसके सिंबल्स के बाद लिख देंगे वो हमारा एम्पेरिकल फार्मूला हो जाएगा। तो इसमें जो है जो सिंपलेस्ट मोल नंबर रेशियो निकला 213, तो ऐसे ही सिंबल्स जो थे NaCOCO, मतलब ये तीन एलिमेंट थे ना, तीन एलिमेंट के आइटम थे, तो इसमें हम लिख देंगे Na2CO3, तो ये हमारा हो जाएगा एम्पेरिकल फार्मूला का डेरिवेशन, मतलब हमने गेन कर लिया एम्पेरिकल फार्मूला जो है कि Na2CO3।
ठीक है। तो ये बने रहिए अभी हमारे साथ थोड़ी देर और, तो ये नोट कर लीजिएगा प्लीज़। वैसे ही जैसे हमने पहला प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया काफ़ी इजीली, तो ये दूसरी प्रॉब्लम है एम्पेरिकल फॉर्मूला के ऊपर। वो ये है कि अगर 2.746 ग्राम कोई कंपाउंड लेते हैं, उसमें से 1.94 ग्राम हमारा सिल्वर है, 0.268 ग्राम हमारा वो है क्या कहते हैं सल्फर है, और जो ऑक्सीजन जो है 0.538 ग्राम है, ठीक। तो ये इतने परसेंट, मतलब ये कंपाउंड इस बार 100 ग्राम नहीं है, कंपाउंड 2.746 ग्राम है, तो इस बार जो भी दे रखी है उसकी परसेंटेज ही है, ग्राम देख के कन्फ्यूज मत होना है, 1.94% ही है, ठीक है। मतलब उसको ही हमें ट्रीट करना है, परसेंटेज की तरह ट्रीट करना है, ग्राम के तौर पर भी उसे ही ट्रीट करना है, इस बार परसेंटेज की कोई मामला नहीं है, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए जो ही हम टेबल बनाएंगे, एलिमेंट परसेंटेज एटॉमिक मास मोल रिलेटिव नंबर ऑफ मोल सिंपलेस्ट मोल नंबर रेशियो, बाद में एम्पिरिकल फॉर्मूला लिख देंगे, ठीक है। तो एलिमेंट्स के नाम सिल्वर सल्फर ऑक्सीजन, उसके बाद उसके जितने ग्राम हैं 1.94 0.268 0.538 ग्राम वो लिख देंगे, फिर नंबर ऑफ मोल्स निकाल देंगे 3216, मतलब 108 है एटॉमिक मास है उसका सिल्वर का, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16, तो इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। तो वैसे ही जो ऐसे ही 0.01798.375 × 10⁻³ अपॉन 0.0336 आएगा ना, तो इसको जो सबसे सिंपल जो 8.375 × 10⁻³ है, इसको ना सब तीनों को डिवाइड करेगा तो कुछ ऐसे ही रेशियो आएगा 2.14 का, तो वहाँ से हम पता लगा लेंगे कि ये एन की वैल्यू सिंपल सिंपल नंबर की, मतलब ये कुछ है, मतलब जो सिंबल के बाद हमें इसको लिखना है, इससे हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला मिलेगा, वो हमें सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो मिल गया, तो 2.14 यहाँ मिला, तो ऐसे सिंबल है उसके नीचे लिख देंगे, तो ए जी का 2 है तो ए जी का 2, सल्फर का 1, ऑक्सीजन का 4, तो जो हम एम्पिरिकल फॉर्मूला जो सबसे लास्ट में बनेगा वो बनेगा AgSO4, ठीक है, AG2SO4। तो AG2SO4 हमारा वो कंपाउंड हो जाएगा जिससे हमें खोजना था, वो एक एम्पिरिकल फॉर्मूला हमें मिल गया, ठीक है। ये सवाल यहीं खत्म होता है अब तक लास्ट, अगर लास्ट का आप वीडियो देख रहे हैं तो अब हमारे साथ बने रहे, मेरे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया, और आगे हमें फॉलो करें, आगे भी एक दो वीडियोस बची है चैप्टर 1 को ख़त्म होने के लिए जी, धन्यवाद।